फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी वन डे वर्कशॉप के बारे में। अगर आप टैरो जानते हैं, टैरो करते हैं, टैरो रीडर हैं और आप जानना चाहते हैं उससे कि टैरो से किस तरह इनिशियल निकाला जाता है, चाहे वो फ्यूचर पार्टनर के लिए हो, चाहे वो किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक कराया हो, नज़र हो किसी की, आप जानना चाहते हैं कि किसकी वजह से, किस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में इशूज़ है, किसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो इनिशियल के थ्रू आप जान सकते हैं और उन लोगों से अपने कनेक्शन को कट कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू या फिर कनेक्शन कट करके, जैसा भी आप चाहें। तो अगर आप जानना चाहते हैं आप जिस पार्टनर से के साथ कनेक्ट है इनिशियल के थ्रू, कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसा पर्सन है, उसके साथ आपको कनेक्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो ज्वाइन करिए मेरा ये वन डे वर्कशॉप जो कि मैं जून के फर्स्ट वीक में लेकर आ रही हूँ। और 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो और अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 से 15 मई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी और क्या गाइडेंस है आपके लिए जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सके। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 15 मई तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी, ओके। बॉटम ऑफ डेक है हार्मनी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है, यहाँ पर मुझे रिकंसिलेशन की लग रही है। हो सकता है मेष राशि कि बहुत टाइम से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है, आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत झगड़े हो रहे थे। तो 1 से 15 मई तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों मिलकर बैठकर बातों को सुलझाने की कोशिश करने वाले हो, एक दूसरे को विश्वास दिलाने वाले हो कि जो भी बातें हुई है हमारे बीच या जो भी चीज़ें हुई है उसको हम यहीं पर ही हटाते हैं अपने लाइफ से और एक नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी आपकी झगड़ा भी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है और आपकी जो सुलह होगी वो भी थर्ड पर्सन की वजह से होगी। हो सकता है इन 15 दिनों में कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो आपको सही गाइड करे, आप दोनों को समझाए कि चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो वो जो सिचुएशन होगी उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और आप दोनों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, या फिर मैं ये कहूँ कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है वो आपकी तरफ और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मैं ये कह सकती हूँ कि और ज़्यादा अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करेंगे जब सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस उन्होंने देखा है आपके साथ में, जो भी अभी ब्रेकअप चल रहा था या जब आप दोनों साथ नहीं थे, तब उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। आपकी फीलिंग्स कैसी होगी, तो यस, आप तो मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो कि जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, जो भी बातें हम दोनों के बीच में हुई हैं वो ठीक हो जाए। देखिए, आप बहुत ज़्यादा प्योर अपने इंटेंशन डालते हुए आप यूनिवर्स तक एक ही मैसेज भेज रहे हो कि हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। बार बार डेली आप, हो सकता है कि अफर्मेशन दे रहे हो, डेली आप हीलिंग कर रहे हो, डेली अपना मैसेज यूनिवर्स तक पहुँचा रहे हो।
इनर वॉइस कार्ड भी यही कहता है कि हो सकता है आप किसी हीलिंग मॉडलिटी से जुड़े हुए हो, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा आपका थर्ड आई जो है ना वो बहुत पावरफुल है। आप बहुत जल्दी मैसेज ले भी लेते हो यूनिवर्स से और मैसेज पहुंचा भी देते हो यूनिवर्स तक। तो आप अभी अपने मैसेज को पहुंचाने में लगे हुए हो यूनिवर्स तक कि यूनिवर्स कुछ भी हो जाए, बस हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। पेशेंस कार्ड भी यही कहता है कि यस, आप इंतज़ार कर रहे हो और आपको पूरा विश्वास है कि आने वाले 15 दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है अपने पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर की भी स्ट्रांग है, बट थोड़ी गलतफहमियां थी जो सॉर्ट आउट हो जाएगी इन 15 दिनों में। और हम देखते हैं कैसी रहने वाली है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 1-15 मई तक कैसी रहने वाली है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली है मेष राशि। केमिस्ट्री, ओके, बॉटम ऑफ डेक है डिसेप्शन। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे यहाँ लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। एक को लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा स्वीट बातें अगर आप दोनों में से कोई भी कर रहा है तो दूसरे पर्सन को लग रहा है कि ये सब फेक हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंसान इतना प्यार करे। ठीक है, तो ये आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे सेपरेशन है, तो ऑलरेडी मैंने कहा है कि अभी शायद सेपरेशन ही चल रहा है और 1-15 मई के बीच में हो सकता है स्टार्टिंग में सेपरेशन ही हो। और आपके पार्टनर को उस वक्त मैंने कहा ये रियलाइज़ करेंगे कि उनको एडिक्शन है आपका, लत है आपकी, वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते, उन्हें आपसे चैट करने की आदत हो सकती है बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, इतना ज़्यादा जुड़ाव फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन। पास्ट लाइफ हो सकता है, सॉलमेट हो सकता है, बहुत सारे तरह तरह के कनेक्शन बताते हैं सब। तो मैं तो सिर्फ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मानती हूँ कि यस कुछ तो ऐसा है, हमारे दिल कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, अगर इंसान फिर से मिल रहा है मतलब कुछ तो कनेक्शन है। तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए चीज़ें ठीक होंगी और मई मंथ में वो डेफिनेटली चीज़ों को ठीक करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, उन्हें समझ में आ गया, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि यार यहीं पे ही ठीक कर लो, आगे तक मत ले जाओ इस प्रॉब्लम को, नहीं तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ पर मैंने कहा ना कोई थर्ड पर्सन आएगा और आपकी हेल्प कर सकता है दोनों को मिलवाने में, तो यस यहाँ पर देखिए आप ही चाहते हो कि जाओ अपने दोस्तों से हेल्प ले लो, किसी ऐसे पर्सन से हेल्प ले लो जिससे कि तुम समझ जाओ कि तुमने चीज़ें ख़राब करके रखी है। तो यहाँ कोई थर्ड पर्सन को आप बुला सकते हो अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। एंड आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपकी केमिस्ट्री, आप दोनों की बॉन्डिंग, प्यार इतना स्ट्रांग है कि कोई भी थर्ड पर्सन आकर उसे ख़राब नहीं कर सकता। तो आपका ये विश्वास, आपका ये प्यार ही चीज़ों को ठीक करेगा और सब सिचुएशन को सही लेकर आएगा। दिस कुड बी द वन, ये वो परफेक्ट पार्टनर है जिससे कि आप मिलना चाहते थे, जिससे जिसके साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते थे, या आप भी रियलाइज़ कर रहे हो इन दिनों में, या फिर मई के फर्स्ट वीक में आप भी इन बातों को रियलाइज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे छुपा क्या रहे हैं। मेष राशि, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनके मन में अभी क्या चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, ओके, आप आपके पार्टनर से क्या छुपा रहे हो। बॉटम ऑफ डेक हम देख लेते हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उनके मन में उनके पास्ट को लेकर बहुत सारी बातें हैं, उनके एक्स को लेकर उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो शायद वो आपसे शेयर करना चाहते थे लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर वो उन सब बातों को छुपा रहे हैं, वो बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको कुछ भी बताया तो शायद आप उनकी लाइफ से चले जाओगे या फिर आप उन पर विश्वास नहीं करोगे।
कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ मेष राशि, आप शायद बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो या फिर आपको ऑलरेडी ट्रस्ट नहीं है अपने पार्टनर पे, इसकी वजह से वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं बातों को, उनके मन में जो है उन्होंने अपनी बातें अपने मन तक ही रखी हुई है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी तक तो अच्छी तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं की आपसे, वो भी आपसे छुपा कर बैठे हुए हैं। आप क्या छुपा रहे हो? तो यस, आप ये छुपा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन के किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारे पास से मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे सिचुएशन क्या है, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है या तुम कैसे हो, मुझे उन चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे मेरे प्यार बॉन्डिंग जो मैं तुम्हारे साथ एक केमिस्ट्री फील करता हूँ या करती हूँ, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। एक बार जब आप ये बात उन्हें क्लियरली कह दोगे ना, देखना वो बहुत ही लाइट फील करेंगे और हो सकता है कि वो उस वक्त आपसे अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर दे, वो बता दे कि यस मुझे तुमसे कितना प्यार है। तो यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप सोच रहे हो कि शायद मुझे नहीं कहना चाहिए और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझे नहीं कहना चाहिए। पिछली, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की बातों को लेकर आप दोनों थोड़ा ज़्यादा परेशान हो, या तो आपके पार्टनर अपना पास्ट नहीं बताना चाहते और आप, हो सकता है कि आप उनके पास्ट को जानना ही नहीं चाहते, बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई है और कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ मेष राशि कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, जबकि आपके पार्टनर को लगता है कि आपको उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तो ये भी क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को भी क्लियर कर सकते हैं और मन में उठ रहे सवालों को बैठ के आप दोनों बात करेंगे तो भी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल 15 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं मेष राशि, ओवरऑल 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ पेंटाकल, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, नया प्यार, नई हर चीज़, नई कुछ एक न्यू बिगनिंग आप करने वाले हो दोनों। तो मैं तो कह ही रही हूँ कि जो भी बातें हैं बैठ के सुलझा लीजिए और एक नई शुरुआत करिए, तो डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड द स्टार के साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी होप आप दोनों को जो है एक दूसरे के लिए, वो डेफिनेटली आप दोनों धीरे धीरे पूरी करेंगे। जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के लिए गलत फहमी पाल रखी थी, मैंने कहा ना किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस से चीज़ें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। पास्ट का जो पेन है उसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करो, पास्ट में जो भी बातें हुई है उसको फिर से रिपीट मत करना, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 1 से 15 मई के बीच में हो सकता है फिर से पास्ट की किसी बात को लेकर आप दोनों में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन आप अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, वो करने से आपको सिर्फ पेन ही मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि आप दोनों साथ ही रहने वाले हो, आप दोनों अलग नहीं हो सकते, आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों का प्यार जो है एक दूसरे के लिए अच्छा और स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप बार बार पिछली बातों को लेकर झगड़ा कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर दो। नाइट ऑफ वॉन्ट्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि यस, एक नई शुरुआत और नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कोई नया फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई ऐसा आसपास आपके जो था पर्सन वो बहुत क्लोज आ जाए आपके और आपको गाइडेंस दे, आपके लाइफ को हैपनिंग बना दे, आपको खुश रखे, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंट नई शुरुआत आपकी इन 15 दिनों में मुझे दिख रही है किसी नए पर्सन के साथ में। तो हो सकता है कि एक नई शुरुआत के साथ आप अपनी सही गाइडेंस से, सही मार्गदर्शन आपको मिले, लाइफ में पॉजिटिविटी आप देख सको और खुश रहो। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे आपके लिए एंजल की गाइडेंस। मेष राशि, आपकी एंजल आपको क्या गाइड करना चाहती है आपकी लव लाइफ के लिए। सोलर प्लेक्सस, थ्रोट चक्रा, पेरेंट्स एंड गॉडेस। ओके, यहाँ पर एंजल आपसे कहना चाहती है कि भगवान आपके आसपास है, भगवान आपके चारों तरफ है, भगवान आपके आपकी बातों को सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपकी हर बात को ऐसा बोल रही है तथास्तु,
आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ अगर आपके कनेक्शन में कुछ भी इशू है तो उसको ठीक करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। एंड बहुत टाइम से अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहने गए हैं तो रह लीजिए। एंड थ्रॉट चक्र मुझे ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को लेकर मन में किसी भी तरह की इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो पता है उसको शेयर करने की कोशिश करिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका थ्रॉट चक्र थोड़ा ब्लॉक है जिसकी वजह से रिश्ते निभ नहीं पा रहे हैं। जब हम अपने दिल की बात, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ का और बच्चे का रिश्ता ही क्यों ना हो, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, अगर आप दिखा नहीं रहे हो कि आप कितना प्यार उनसे करते हो, तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। वो रिश्ता कहीं ना कहीं उसमें अड़चने आती है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए, मन में अगर किसी भी तरह का डाउट है तो उसको भी क्लियर करिए, और प्यार है तो उसको भी जाहिर करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आपके सारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। ठीक है, तो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।